अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवी देवताओं की भक्ति के पीछे अपार शक्ति छिपी होती है, जिसका नतीजा है कि भक्त भगवान की भक्ति में कठिन से कठिन तपस्या को भी बड़ी आसानी से पूरी कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही कठिन तपस्या रीवा में देखने को मिली है, जहां नवरात्रि के अवसर पर देवी माँ को खुश करने के लिए एक भक्त ने अपनी ही शरीर पर जवारे उगा दिए हैं। इस कठिन तपस्या के पीछे भक्त की मान्यता है कि माता जी की अपार कृपा अपने भक्तों पर बनी रहे और देश के सुख समृद्धि व अमन चैन कायम रहे। दरअसल नवरात्रि के दिनों में माता की भक्ति का यह अनोखा दृश्य रीवा शहर में ही प्रसिद्ध चिरौला मंदिर के समीप ललपा में स्थित काली माता की मंदिर में देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड क्रमांक 26 ललपा निवासी विनोद कुमार साहू उम्र 40 वर्ष देवी माँ के भक्त हैं। दरअसल आपको बता दें कि अपनी भक्ति से माता जी को खुश करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन मंदिर के अंदर बैठकर अपने शरीर पर जवारा बोया गया है, जिसके उगने के बाद पंचमी के दिन देर शाम मंदिर का पट खोला गया है, जिसके बाद से भक्त को देखने के लिए लोगों का तंता लगा हुआ है। माता की भक्ति में लीन विनोद साहू के पुत्र संदीप ने बताया कि उनके पिता माता जी के भक्त हैं, जिन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को त्याग कर शरीर पर जवारे बोए हैं और अन्य जल का त्याग किए हैं और गला सूखने पर सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही जल का सेवन करते हैं। बताया गया कि पंचमी को मंदिर का पट खुलने के बाद शरीर पर जवारे उगाने वाले भक्त को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और मंदिर परिसर में भजन कीर्तन व आरती का दौर जारी है। सप्तमी के दिन देवी माँ के चरणों में विनोद कुमार साहू के द्वारा माता के चरणों में जीप चढ़ाई गई है। नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाली इस कठिन तपस्या को पूरी करने के बाद 9वीं के दिन मैहर मंदिर में देवी माँ को भक्त द्वारा अपने शरीर पर बोए हुए जवारे को चढ़ाया जाएगा।